किसानों को डराकर उससे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसान से रंगदारी मांगने का ये मामला ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों के पास लग्जरी कार और दो तमंचे भी बरामद किए। मामले को लेकर एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि किच्छा कोतवाली पुलिस ने किसान की कार रोककर 10 लाख की रंगदारी मांगने और ना देने पर बेटे को जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को दो तमंचे और कार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बीती 3 सितंबर को किसान हरिंद्र सिंह अपने नौकर के साथ रुद्रपुर जा रहे थे, तभी देवरिया से पहले जीशान ने अपने साथी के साथ मिलकर हरिंद्र सिंह की कार रोकी और उन्हें धमकी दी कि 10 लाख रुपए उन्हें नहीं दिए गए तो वे उनके बेटे को जान से मार देंगे। इस दौरान दोनों आरोपियों के पास तमंचा भी था। ऊधम सिंह नगर से विद्य प्रकाश यादव की रिपोर्ट। साथी के साथ इन्हें इनसे पैसे मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और न देने के दशा में इनके जान से मारने की, इनके पुत्र को जान से मारने की बात कही गई। तो उसी आधार पे जो प्रकरण था काफ़ी गंभीर था और गंभीरता के दृष्टिगत उसमें टीम गठित की गई और उसमें दो व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुछ असलाह भी बरामद हुए हैं और इनमें से एक व्यक्ति जो है उस पर 302 और गैंगस्टर टाइप के तहत कार्रवाई की गई।